हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में एनिमल के 12वें दिन के कलेक्शन के बारे में जानेंगे और कनाडा के बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई की है रणबीर कपूर की एनिमल ने, इसके बारे में जानेंगे। एनिमल की धुआंधार कामयाबी ने रणबीर कपूर को सीधे सबसे बड़े भारतीय सुपरस्टार में लाकर खड़ा कर दिया है। थिएटर में फिल्म जिस तरह का बिजनेस कर रही है, वे सीधे शाहरुख खान की दो बड़ी ब्लॉकबस्टर पठान और जवान के लेवल पर है। भारत ही नहीं, विदेश में भी एनिमल की कमाई जो 10 फीट से आगे बढ़ रही है। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने रणबीर को जिस खूंखार अवतार में स्क्रीन पर पेश किया है, उसका जलवा जनता को लगातार थिएटर में खींच रहा है। फिल्म की पॉपुलैरिटी का कमाल यह है कि 11वें दिन में फिल्म ने वर्ल्ड वाइज बॉक्स ऑफिस पर 747 करोड़ का ग्लास कलेक्शन जुड़ गया है। वहीं 12वें दिन रणबीर कपूर की फिल्म ने 750 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया है और इसने एक नया रिकॉर्ड बना भी लिया है। एनिमल ने 12वें दिन के अंदर ही कनाडा में 5 करोड़ 28 मिलियन डॉलर यानी 44 करोड़ का ग्लास कलेक्शन कर लिया है। रणबीर की फिल्म ने इस आंकड़े पर पहुंचते हुए शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर जवान को पीछे छोड़ दिया है। जवान ने कनाडा में 5 करोड़ 27 मिलियन डॉलर का बिजनेस किया था। अब एनिमल ने कनाडा में दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बन चुकी है। अभी कनाडा में सबसे बड़ी भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड शाहरुख खान की पठान के नाम है, जिसने 6 मिलियन डॉलर यानी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया था। लेकिन अब जल्दी ही रणबीर की फिल्म शाहरुख खान की इस फिल्म को भी पीछे छोड़ देगी और रणबीर कनाडा में सबसे बड़े इंडियन सुपरस्टार बन जाएंगे। एनिमल ने 11वें दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 401 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है। शाहरुख खान की जवान ने भी इतने ही दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और अब ये दोनों फिल्में सबसे तेज इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाली फिल्म बन गई है। मंगलवार को स्टेट रिपोर्ट में कहा गया था कि एनिमल ने 12वें दिन इंडिया में करीब 13 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इसी के साथ भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 458 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। 12वें दिन बाद सिर्फ हिंदी वर्जन में एनिमल ने 412 करोड़ की कमाई कर चुकी है।